कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको 1 से लेके 9 तक यानी 9 तक के नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये हैं आपके मूलांक। तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप अपना मूलांक देख लीजिए। अगर आपको पता ही है कि मूलांक कैसे देखना होता है, अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में आप देख सकते हैं वहाँ जाके, और अपनी जन्म का जो दिन होता है उसके हिसाब से अपना मूलांक आप निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी। तो जिनका मूलांक 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है वो अपना नंबर देखें और अपनी रीडिंग को देखें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मूलांक 1 वालों के लिए। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है कुछ ही समय में, ठीक है। तो ये बहुत लंबी बात हम नहीं देख रहे हैं, कुछ समय की बात देख रहे हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो नंबर 1 का जिनका भी मूलांक है, नंबर 1 आता है आपके जन्म तारीख में। आपके दोनों नंबर को जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है, आपको पता है ना, एक सिंगल नंबर निकालना होता है मूलांक देखने के लिए, तो वही होता है हमारा मूलांक। चलिए देखते हैं नंबर 1 वालों के लिए क्या गुड न्यूज उन्हें देखने को मिल रही है। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपकी आपने उम्मीद खो दी है कि शायद कुछ अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन कार्ड्स बहुत अच्छा दिख रहा है कि फिर से एक कहते ना संभावनाएं वो बन रही हैं। और एक कार्ड आ गया, आप सलाह के लिए देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। नंबर ब्लैंक 1 वालों के लिए है। एक तो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है कि आप अभी अपनी जो भी उम्मीदें हैं उसको बना के रखें, आपके जीवन में अभी संभावनाएं बाकी हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप है जिसमें आपको लग रहा है कि अब शायद वो पर्सन आपसे बात ना करे, आपका फिर से आप उनसे मिले ना, अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो, लेकिन यहाँ लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत चांसेस हैं और एक चांस आपके सामने आने ही वाला है समय, वो मौका जब आपको लगेगा कि आपको ये क्या हो गया, ये तो एकदम मिरेकल है, वो चीज़ है। लेकिन साथ में ये वाला कार्ड आया है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका नुकसान हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए। और यही गुड न्यूज़ है कि आपको लग रहा था कि अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी आपकी लाइफ में फिर से एक चांस आपको मिलने वाला है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस हिसाब से इस कार्ड को देखिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा परीक्षा देने का जॉब नौकरी के लिए, तो उसमें आपको अभी भी चांसेस हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि अब इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 महीने तो कम आप वेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होगा वो 1 महीने का होगा और 1 हफ्ते तक का हम देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों ही चीज़ देखते हैं, कम से कम समय और अधिक से अधिक समय। तो आइए देखते हैं जिनका भी मूलांक 2 है। अगर आपका मूलांक 2 है तो चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। मूलांक 2 वालों के लिए हम देख रहे हैं कि क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ ये कार्ड है और साथ में एक कार्ड और देखते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे और कुछ तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कोई आपके नौकरी बिजनेस कुछ करने के सिलसिले से आप बाहर जाना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप शायद कहीं किसी शहर में बसना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना जगह चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो उम्मीदें जो आप कर रहे थे वो चीज़ दिख रही है कि होगी। और एक कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर का, ठीक है, तो वहाँ संभावनाएं दिख रही हैं। तो गुड न्यूज़ तो उन लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा, सिंगल पर्सन आप हैं, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो ये कार्ड आपसे कनेक्ट होगा। अगर आप हैं तो शायद कम चांसेस हैं, लेकिन ये वाला कार्ड जो है कि दिख रहा है कि कुछ अगर ट्रैवल से जुड़ा हुआ कुछ आप सोच रहे हैं, कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का सोच रहे थे, वो भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं
आप बाहर जाएंगे क्योंकि माहौल भी नहीं है, जो भी समय चल रहा है देश काल में उस हिसाब से कहीं घूमने का तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप गांव जाने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अपनी जगह चेंज करना, यही आया तो आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो अपने घर जाना का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। हम गुड न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं जिनका भी मूलांक 3 है। अगर आपका मूलांक 3 है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज आपको कुछ समय में देखने को मिलेगी। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है मूलांक 3 वालों के लिए। न्यू जॉब के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, न्यू जॉब दिख रही है यहाँ पे, एकदम एक चांस दिख रहा है आपको, आपको रास्ता मिलना है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है नंबर 3 वालों के। तो जिनका भी मूलांक 3 होता है ना, आप पॉजिटिव रहें और जो भी रास्ता आपको दिखे उस रास्ते पे चलें, और अच्छा रास्ता है ये रास्ता, आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। यकीन मानिए ये जो कार्ड्स हैं मुझे ऐसा इशारा कर रहे हैं जैसे कि आपकी लाइफ का एक नई शुरुआत आपको अब देखने को मिलेगी और कामयाबी भी अब धीरे धीरे आपको मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो एकदम से आप सोच रहे थे कि लाइफ एकदम रुक सी गई है, अब वो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। ठीक है, एक नई चांस मिल रहा है और साथ में रास्ता भी आपके लिए खुल रहा है। तो ये था मूलांक 3 वालों के लिए। आइए देखते हैं जिनका मूलांक 4 है। अगर आपका मूलांक 4 है तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है आने वाले कुछ समय में, हम देखते हैं। देखिए गुड न्यूज़ जो है वो ऐसी है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं शायद, ठीक है, आप किसी का वेट कर रहे हैं और मुझे यहाँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपका नंबर 4 मूलांक है और यहाँ पे 22 का नंबर आया है। साथ में जो कार्ड्स हैं उससे लग रहा है ना कि आप अपने जो भी आपके लव पार्टनर हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, तो कांटेक्ट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो आपसे बात करेंगे या फिर आप खुद जाएंगे उनसे बात करने। तो रीयूनियन का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है मुझे, ये रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है। ठीक है, तो जिनका भी मूलांक 4 है ना, आप बहुत ही बेसब्री से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे कब बात करें। तो चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ज़रा दिख रहा है कि आप शायद जाएं बात करने। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा माहौल कि आपको खुद ही उनसे बात करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो नंबर 4 वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है और बात हो सकती है। आइए देखते हैं जिनका मूलांक 5 है। अगर आपका मूलांक 5 है, देखते हैं आपके में आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चलिए देखते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए आया है मूलांक 5 वाले। ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप करियर के बारे में देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके करियर में। अगर आप पार्टनर के साथ अपना करियर, मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका कोई पार्टनर है, तो बहुत अच्छा ये डिसीजन है आपके लाइफ, मतलब आपके बिजनेस का, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। पैसे की काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं अपने करियर से जुड़ा हुआ, उससे फ़ायदा दिख रहा है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस किसी इंसान के बारे में समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो कुछ राज है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए इस चीज़ को लेके। ठीक है, रिलेशनशिप में आप हैं तो ठीक है, अगर वो पर्सन आपसे कुछ खुल के बात नहीं करते, कभी बातों को क्लियर नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है जहाँ तक आपके कार्ड्स थे कि उसमें हो सकता है कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहा हो। ठीक है, आइए देखते हैं जिनका भी मूलांक 6 है। अगर आपका मूलांक 6 है और आप देख रहे हैं कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले समय में, तो चलिए हम देखते हैं। आप कोई कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से और आपको लग रहा है कि उसमें आपको कामयाबी कब मिलेगी,
आप कामयाबी का वेट कर रहे हैं तो बस आपको मिलने वाली है। समय जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून का जो भी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ठीक है, जो एकदम गर्मी एकदम धूप का मौसम होता है ना, जून जून में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ उम्मीद किए हैं तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। अब ये हर इंसान के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, किसी के साथ करियर हो सकता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में है, कोई बहुत ज़्यादा आपने उस पर्सन को टाइम दिया, उसके लिए हर काम किया और आप चाहते हैं वहाँ से कुछ पॉजिटिव आपको मिले, मतलब वो पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, कोई कमिटमेंट करे, कुछ वादे कस्में जो हम सोचते रहते हैं रिलेशनशिप वाले खास कर तौर पे, तो वो चीज़ यहाँ से दिख रही है मुझे कि अब वो चीज़ आपके हिसाब से होगी। तो जिस किसी चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ दिख रही है। आइए देखते हैं अब मूलांक सात वालों के लिए। तो जिनका भी मूलांक सात है, आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, एक महीने तक का समय देख रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रही है। सॉरी कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हम यहाँ पे, तो हम देखने जा रहे हैं मूलांक सात वालों के। तो जिनका भी मूलांक सात है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। ये जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं ना, ये गुड न्यूज़ तो बता नहीं रहे हैं, साथ में ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपका जाइए कार्ड और देखते हैं। हाँ, तो एक कार्ड से जो दिख रहा है कि कोई चीज़ आप काफ़ी समय से कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो सफलता अब आपको मिल जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं कि आपका मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्यार जताएंगे, तो अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, ठीक है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड दिख रहा है कि आने वाला जो समय आपका होगा, खासतौर पे जुलाई के समय का समय जो होगा, जब बरसात का सीज़न होता है ना, उस समय ऐसा आपके मूड में एक चेंज आएगा जिससे आप काफ़ी ज़रा कभी ओवर रिएक्ट जो हम कहते हैं वो आप करेंगे, तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है। बाकी कामयाबी अब आपके सामने आपको देखने को मिलेगी, और ये जो कामयाबी है बहुत प्रयासों के बाद अब आपके जीवन में आ रही है, तो गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए नंबर सात वालों के लिए। आइए देखते हैं जिनका भी मूलांक आठ है, आपके लिए क्या गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ काफी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और थोड़ा सा आपको केयर रहने की जरूरत है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम जो कार्ड्स में देखते हैं वही देखेंगे, कई बार जब भी इस तरह की रीडिंग हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गुड न्यूज़ ही दिखे, कभी कभी सलाह भी दिखती है, तो ये भी आप गुड न्यूज़ की तरह ही देखिए। आपके पार्टनर का आपका साथ है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों में एक कहते हैं ना कि समझ है, बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा आने वाले कुछ समय में भी, हमेशा ही बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ केयर करनी है आपको, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर, हेल्थ हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप चेंज कर रहे हैं अपना, जो भी आपका स्थान है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इस कार्ड में, तो हो सकता है कि आप कहीं और सेट होने का सोच रहे हैं, मतलब आप जा रहे हैं तो पूरी तरीके से एक जगह को छोड़ के जा रहे हैं दूसरी जगह। तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद कहीं बाहर गए थे, अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, वहाँ से लौट के अब अपने घर आना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे कार्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ हेल्थ का है, तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सारे कार्ड्स थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे आज के लिए रीडिंग जो आपके लिए हुई। आइए देखते हैं नंबर नाइन। तो ये है हमारा आज की रीडिंग का लास्ट नंबर नाइन मूलांक, जिनका भी नौ मूलांक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और क्या हमें पता चलता है कि गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए। वाओ, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि नंबर नाइन वालों की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट पर्सन है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। अरेंज मैरिज के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी नंबर नाइन वाले हैं शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए कार्ड है। और अगर आप शादी के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात किसी पर्सन से ज़रूर होने वाली है, ठीक है,
ये चीज़ आपकी कार्ड्स में दिखा, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो। और अगर आप की शादी हो चुकी है उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आज दिखा। जिसके लिए संदेश होते हैं हम वही आपको बताते हैं। तो जो भी लोग हैं सिंगल लोग हैं या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये कार्ड्स आज आपके लिए आए हैं। और जिनके लिए नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार जब रीडिंग होगी तो आपके लिए भी आएंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आज कार्ड्स नहीं आए तो कोई बात हो गई। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। थोड़ी छोटी रीडिंग थी लेकिन आपको गुड न्यूज़ देखने में काफ़ी इंटरेस्ट मुझे लगता है क्योंकि जब भी मैंने ऐसे वीडियो बनाए आपने बहुत पसंद किया, तो चलिए मैंने सोचा चलिए ठीक है आज देखते हैं निकाल के कि लगभग एक आध महीने में आपके लाइफ में क्या चेंज, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो जो मुझे यहाँ दिखा मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं। जो कार्ड्स में होता है वही हम आपको बताते हैं, अगर सलाह है तो सलाह बता देते हैं, गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ बता देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।